नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने सोमवार को पांचपावली अस्पताल में बूस्टर डोज का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खुद को टीका लगाकर बुजुर्गों से आह्वान किया कि वे भी जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाए। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार नागपुर में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण शुरू हुआ, जिसे किशोरों का बेहतरीन रिस्पांस मिला। वहीं कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर मरीजों को और बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने की तैयारी मनपा प्रशासन ने कर ली है। 10 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है। पांचपावली अस्पताल में जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने बूस्टर डोज का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खुद टीका लगाकर बुजुर्गों से बूस्टर डोज लेने का आह्वान किया। इस दौरान जिलाधिकारी आर विमला भी उपस्थित थी। वैक्सीनेशन 2 सुद्धा पूर्ण केले आणि आता बूस्टर डोज घ्यायला निघालोत, त्यामुळे काही काळजी करण्याचं कारण नाही। आजच्या या प्रसंगी पुन्हा आपणाशी मी संवाद साधतोय। मला आनंद आहे की मी माझ्या जिल्ह्यातील नागरिकांना बूस्टर डोज मिळवून दिला। केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने सहकार्य केलेला आहे। जिल्हा प्रशासन आणि नगर प्रशासन हे दोन्ही या कामी पुढाकार घेऊन कामाला लागलेले आहेत। आपण सुद्धा आपल्या नजीकच्या, कारण आपल्या मोबाईलवर एखाद वेळेला SMS येईल, मेसेज येईल की आपण बूस्टर डोस घेऊ शकता, तो मेसेज वाचा। आणि समजा यदा कदा चुकीने तो तुम्हाला जर आला नसेल तर खात्री करून घ्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी, जवळच्या केंद्रामध्ये जाऊन किंवा जे नियंत्रण कक्ष आहेत आमचे त्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क करा। मला वाटतं याने निश्चितच आपणा सर्वांना समाधान मिळेल, आपल्या जीवितांचं रक्षण होईल आणि आपण आनंदी राहाल। पुन्हा एकदा माझ्याकडून पालकमंत्री या नात्याने हार्दिक शुभेच्छा, नमस्कार, जय भीम।